हमारी भारत माता को थूक के चला गया हमारे सबके सामने। क्या है राजनीति, क्या लेना गंदी राजनीति से। भारत माता के लिए हमने सबने कुर्बानी दी है, जवान भारत माता के लिए शहीद होता है। आप बिट्टा साहब का जवाब लीजिए, वो लगातार आपको जवाब देना चाह रहे हैं। बिट्टा साहब, अब भारत माता के ऊपर भारत माता को थूक के चले गए, इसकी हिम्मत कैसे हुई। हम ये कह सकते हैं भारत माता का सिर झुक गया, हम हर बात कह सकते हैं, पर ये नहीं कोई हिंदुस्तानी कह सकता, हमारे सामने पाकिस्तानी भी नहीं कह सकता कि हम भारत माता को थूकेंगे। ये पढ़ा लिखा व्यक्ति, ये इनकम टैक्स कमिश्नर, फिर आप कहेंगे मैंने गलत कह दिया, मैं तो सबूत है कहता हूँ, इसकी वाइफ इनकम टैक्स कमिश्नर, ये शिक्षा ली है। हमारी भारत माता को थूक के चला गया हमारे सबके सामने। क्या है राजनीति, क्या लेना गंदी राजनीति से। भारत माता के लिए हमने सबने कुर्बानी दी है, जवान भारत माता के लिए शहीद होता है। हमारे पुलवामा के ऊपर कह गया हमारे जवान शहीद हो गए, हमारे पुलवामा के ऊपर कह गया। अरे राजीव गांधी शहीद हुए, इंदिरा गांधी शहीद हुए, सुरक्षा की कमजोरी के कारण शहीद हुए। आप इतनी गंदी पॉलिटिक्स करते हैं, आपको टिकट नहीं दिया बीजेपी ने वो अलग बात है, पर आप सुरक्षा के मुद्दे के ऊपर बार बार मोदी को गाली दोगे। आप इलेक्शन जो कहना कह देना, पर इतने बड़े चैनल में पाकिस्तान को कहना, हमारे दुश्मनों को कहना कि भारत भारत माँ के ऊपर थूकेंगे, ये पढ़ा लिखा व्यक्ति, इसके ऊपर बैन लगाइए। ये भाग गया क्यों, क्यों भागा, इसको पता था। इसका वो बैठा है सबसे बड़ा जवाब देने वाला MS बिट्टा, कई बार भगाया इसको चैनल पे, इसलिए भाग गया। अगर आप मुझे पहले वक्त देते तो कम से कम मेरी भारत माता को थूकने की बात ना मैं करता, वही आके पकड़ता। अब आप कहोगे तुम ऐसी बातें करते हो, आप जो बात करना है लॉनी और उसको पूरा आपने वक्त दे दिया, वो भारत माता को थूक के चला गया। मैं जो भी बात करता हूं दीति जी सबूत से करता हूं, आप चैनल में बुला लिया करें, मैं पेपर ले आऊंगा सरकारी, मैं सब बता दूंगा, मैं कभी गलत सबूत के बगैर बात नहीं करता। पर इस आदमी के खिलाफ मैं कोर्ट में जरूर जाऊंगा आपकी डिबेट को लेकर के, इसने भारत माता को थूक दिया और सब हम बैठे तमाशा देखते रहे, हम राजनीति कर रहे। अरे बोट पकड़ी गई फिरोजपुर के अंदर, कल बोट पकड़ी गई 26/11 की तरह। 26/11 की घटना कैसे हुई थी, ऐसे हुई थी बेटा साहब। देखो अदिति जी, अब ये डिबेट तो चलेगी उतर राज्य के ऊपर ही, आप इसको काटना काटिए, मैं तो इसको छोड़ने वाला हूं नहीं। इसने मेरी भारत माता को, आपकी भारत माता को, यह हिंदुस्तानी है, यह मुल्क का गद्दार है, थूक के गया है, ये इसलिए गया है, इसका बाप बैठा था बेटा, इसका बाप बैठा था बेटा, रगड़ता इनको। अरे मेरी भारत माता को, हमारे जवानों का अपमान करके चले जाए कि हमारे जवानों को हमारे प्रधानमंत्री ने शहीद करा दिया, इतना बेशर्म आदमी, इसकी हिम्मत इतनी हो गई, कौन नाम लगाम लगाएगा। ऐसे कत्लेआम होते रहेंगे, ऐसे वाकया होते रहेंगे, ऐसे प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा के ऊपर चूक होती रहेगी। हमने इंदिरा गांधी खोई, हमने राजीव गांधी खोया, हमने सरदार बेअंत सिंह खोया, हम बार बार बम्बों से बचे, और अब नरेंद्र मोदी को मारने की साजिश, इसको कहते हैं पॉलिटिकल टेररिज्म। ये बोट पकड़ी गई ना, बोट कहां से पकड़ी गई, कहां से आई बोट, पाकिस्तान से आई। 26/11 की घटना हुई, कहां से आई थी बोट, पाकिस्तान से बोट आई थी। क्या हुआ 26/11 की घटना, ताज होटल, पूरी दहशत फैलारी इस दुनिया के अंदर, अब वो आतंकवादी कहां है जो बोट आई थी। मैं पूछना चाहता हूं ये नवजोत सिंह सिद्धू, मैं आज तक इसके खिलाफ नहीं बोला, मैं असूल में रहा। अरे तू पाकिस्तान का यार, तू बाजवे का यार, तू हमारे जवानों के कातलों का यार, तू पुलवामा में कत्लेआम करने वाले सारे जवानों का, उस बाजवे का यार, तू इमरान खान का यार, तू रख यारी अपने पास, रख यारी, पर हिंदुस्तान के साथ गदारी मत कर, वोट की खातर, सत्ता की खातर। शर्म आती है आज मुझे कांग्रेसी कहते हुए, शर्म आती है। ये उदित राजा थे लोग हम शामिल कर रहे हैं, ये पूनावाला साहब बैठे हैं ना, इनके अंदर भी डिसिप्लिन है, सोच के बात करते हैं, डिसिप्लिन में बात करते हैं, ठीक है बहस करते हैं, कभी कभी मुड़ के गदारी की बात नहीं करते। ये बदमाश आदमी, ये कांग्रेस में शामिल, कन्हैया भारत माँ तेरे टुकड़े करेंगे, इंशाअल्लाह घर घर फांसी लगेगी, ऐसे लोगों को हम लेके आएंगे। और हम जैसे लोग जिन्होंने पार्टी के लिए हमने खून बहा दिया, राजीव गांधी ने कुर्बानी दी, इंदिरा गांधी ने दी, बेअंत सिंह ने दी, हजारों कार्यकर्ताओं ने दी, आज हम ये सुनने को देखेंगे, ये सुनते देखेंगे भारत माता को थूकेगा, इसकी आखिरी की ताती।
मैं जुबान संभाल रहा हूँ, इसकी आजी की तैसी। अरे बिट्टा साहब, बिट्टा साहब, मैं आपकी भावनाएं समझ सकती हूँ। बिट्टा साहब, मैं आपकी भावनाएं समझ सकती हूँ सर। मैं आपके आक्रोश को भी समझ सकती हूँ। आपकी भारत माता के बारे में ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। हम कैसे मेरी समझ, ये नहीं बर्दाश्त, हर चीज बर्दाश्त हो सकती है, यह चीज कभी बर्दाश्त नहीं हो सकती, कभी बर्दाश्त नहीं हो सकती यह चीज। हम इतने खुद गर्ज हो गए, हम इतने बेशर्म हो गए, हम इतने धोखेबाज हो गए, अपनी पार्टी के नेताओं को खुश करते करते हम भारत माता को थूक देते, यह हमारी औकात है? मेरे सामने होता मैं बताता, आगे से चैनल में बुलाया करो मुझे भी और ऐसे लोगों को, हम उनको बताए। ऐसे बर्दाश्त होगा? कभी प्रधानमंत्री को गाली, कभी 40 जवानों को शहादत का अपमान, कभी भारत माता को थूकना? अरे ये हिंदुस्तानी, किसने शिक्षा दी? ये इनकम टैक्स कमिश्नर रहा, इसकी पत्नी इनकम, ये शिक्षा दी? शिक्षा देने वाले भी ऐसे होंगे जिन्होंने ऐसे बदमाश को शिक्षा दी, जो हमारी भारत माता की पीठ पे चैनल पे आकर के हिंदुस्तान में थूक के चला गया, थूक के चला गया। अरे हम बड़े बड़े पाकिस्तानियों को आपके चैनल में छक्के छुड़ा देते, आपने देखा होगा, हाथ कांपते हैं जब उनका बाप बिट्टा आता है। और ये मेरा भारती, ये मुल्क का गदार, क्या नाम है इसका, इनकम टैक्स कमिश्नर का, उदित राज, इसको तुम्हें टिकट नहीं मिली एमपी की तो तुम्हें मोदी जी से गिला हो सकता है, पर भारत माता को थूक नहीं सकता है। ये हालत हमारी देश की हो गई। अगर पंजाब के अंदर नरेंद्र मोदी का कोई शहीद कर देता, पूरे देश में दंगे हो जाते तो क्या होता? हम उस पर तमाश भी नहीं कर रहे, हम ट्विटर पे कह रहे, हम कहते नरेंद्र मोदी पीएम के लिए रोने चला गया कि मैं हिंदुस्तान में सेफ नहीं हूं। जोश एंड होश एंड जोश, वाय जोश, गोली चला देते तो फिर ऐसा कहते जलियांवाला बाग बन गया, गोली नहीं चली तो मोदी डर के भाग गया। ठीक है बिट्टा साहब, कुछ कहना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनिए मैम, सुनिए प्लीज सुनिए बिट्टा जी। देखो मैडम त्यागी जी, ये बहुत ही सीरियस मामला है जो बोट पकड़ी गई है, बहुत सीरियस मामला है। क्या वो आतंकवादी कोई बड़ी घटना करने आए थे 26/11 की तरह? वो आतंकवादी कहाँ है? ये बहुत बड़ा प्रश्न और बहुत बड़ा सवाल है। और हम डिबेटों के अंदर तू-तू मैं कर रहे हैं, कई दिनों से देख रहा हूं, अपनी अपनी पार्टी की वकालत कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी बीजेपी के नहीं है, मैं बार बार कह चुका हूं, वो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है। अगर उसको कुछ हो जाता पूरे देश में दंगे हो जाते, इसको कोई समझने को तैयार नहीं है, मैं बार बार कह चुका हूं। ये गंदी राजनीति कर रहे हैं, कभी कहते हैं नोच आ गई, कभी कहते पत्थर नहीं फेंका, कल हरीश रावत, इतने सीनियर लीडर बम फट जाता आधा, अरे आधा घंटा नहीं, आतंकवादियों को हमला करने के लिए सिर्फ 2 सेकंड चाहिए, 1 सेकंड चाहिए, ये रिमोट दबाना, रिमोट ऐसे ठक और गए, मोदी जी गए और आपकी पॉलिटिक्स पूरी हो गई। अरे हम इतने पढ़े लिखे लोग, हम इतने इंटेलिजेंट लोग, हम चीफ मिनिस्टर रहे, हम होम मिनिस्टर रहे, हम बड़ी बड़ी बार मंत्री रहे, और हमारे जैसे लोग सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर गंदी पॉलिटिक्स करते हुए, वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हुए देश की सुरक्षा के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर देंगे? जब हमारी इंदिरा गांधी चली गई थी हमें पीड़ा नहीं हुई थी, जब राजीव गांधी चले गए तो हमें पीड़ा नहीं हुई थी, क्या जब सरदार बेअंत सिंह चले गए तब पीड़ा नहीं हुई थी? उस वक्त कहां थे हम? उस वक्त पीड़ा नहीं हुई क्या हमें? आज नरेंद्र मोदी जी के ऊपर अगर कोई साजिश चल रही है, 10 किलोमीटर पाकिस्तान है, वो ड्रोन से हमला कर सकता है, वो किसी तरीके से माइंस लगा सकता है, सारी 1 साल पहले का वीडियो आपने दिखाया किस तरीके से जो कुछ हुआ, 1 साल पहले का वीडियो फौरन से पड़ा, कब से ये प्लानिंग बनी, कौन उनके बीच में साजिश कर रहा था, इसको कोई सुनने को तैयार नहीं? वोट बैंक पॉलिटिक्स, पीएम दुनिया से चले जाए तो चले जाए, पर हमारी वोट बैंक, हमारी पृथ्वी सत्ता हमारी खड़ी रहनी चाहिए। ये किसानों के जरा हमदर्द बनते हैं क्या? क्या हिंदुस्तान के अंदर किसानों को कब आपने नहीं कहा, कब मैंने नहीं कहा, कब पूना वाले ने नहीं कहा, कब वर्मा जी ने नहीं कहा? किसान हमारा अन्नदाता है भाई, किसान हमारा अन्नदाता है, किसान हमें रोटी देता है, किसान हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा, हमारे कंधों पे हम बिठाने वाला है, कहते हैं ना। पर अगर किसान की शक्ल में पीछे बन के
हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को मारने की कोशिश कर दे तो किसान अकेला देश को चलाता है क्या? आज कहता हूं आप एक अच्छी एंकरिंग करते हैं, आप देश की जनता को जगाते हैं, आप जम्मू कश्मीर के अंदर मौत का कफन बांध करके घर घर में जाते हैं, पता नहीं आप त्यागी जी वापस आएंगे या नहीं आएंगे। हम सब अपने अपने मिशन में काम करते हैं, जवान करता है उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं, उसको अलग कर दोगे? को कपड़े का व्यापारी है, को लोहे का व्यापारी है, को रिक्शा चलाता है, को रेस्टोरेंट चलाता है, को होटल चलाता है, वो किसी खाते में नहीं आता? वो घटिया लोग है क्या? यही लोग है क्या? आपको पूछना चाहता हूं त्यागी जी मैं, और इनके चंद बदमाशों को जिन्होंने खालिस्तान के नारे लगा के रास्ता रोका, कोई किसान नहीं, अच्छा किसान ऐसा कभी नहीं कर सकता, क्या आपसे फ्री रोटी खाते हैं हम? पूछिए इनको, अपने पैसे देकर रोटी खाते हैं हम, होटल में जाते हैं उसका बिल देते हैं हम। और याद रखना, इनको कह देना चाहता हूं रास्ता रोकने वालों को, एक दिन ऐसा आएगा हिंदुस्तान के लोग अपन से नफरत करेंगे। तिरंगे झंडे का जब अपमान हुआ, हिंदुस्तान हमें इज्जत देता है, इस पगड़ी को दुनिया इज्जत देती है। यह सिख कौम सिखों की नहीं है, यह सिख कौम दुनिया की कौम मानी जाती है, यह सिख कौम मानवता की रक्षा की मानी जाती है, यह सिख कौम के गुरु गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर चांदनी चौक में शहादत दी थी, यह सिख कौम गुरु गोविंद सिंह महाराज ने अपने छोटे छोटे बच्चों को नियों में चिनमाया गया था, फिर यह खून से सजी हुई पगड़ी हमारे जैसे पापी गुनाहगारों को सिर पे मिलके गुरु महाराज ने सजा दी, और हम पगड़ी पे तलवानी बन के हाथ काटते हैं, हम तिरंगे झंडे का अपमान करते हैं, हम नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जाता है दुनिया में क्या मैसेज देते हैं, पाकिस्तान को क्या मैसेज देते हैं? पाकिस्तान तो नरेंद्र मोदी आ गए, सऊदी अरब दुबई से आ गए, उनका स्वागत हुआ, दुनिया से आ गए, हिंदुस्तान के अंदर पंजाब के अंदर 10 किलोमीटर पाकिस्तान, तो क्या इस पगड़ी को लोग कितना मान सम्मान देते हैं? हिंदुस्तान का पहला डिफेंस मिनिस्टर सरदार दिलबाग सिंह, हिंदुस्तान का फॉरेन मिनिस्टर सरदार स्वरण सिंह, हिंदुस्तान का राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर ज्ञानी जैल सिंह सरदार बूटा सिंह, हिंदुस्तान का एयर मार्शल अर्जुन सिंह, हिंदुस्तान का आर्मी चीफ जगजीत सिंह अरोड़ा, हिंदुस्तान का आर्मी चीफ धनोआ जिसने सर्जिकल ऑपरेशन किया, हिंदुस्तान का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस चीफ जस्टिस सरदार कुलदीप सिंह, कितने हैं हम? 2% इज्जत पूरी दुनिया में हमारी, हम माइनॉरिटी में नहीं है, हम हिंदुस्तानी है, हमारा हक हिंदुस्तान है। ये जो लोग खालिस्तान की बात करते ना, ये पन्नू को कल भी चैलेंज किया रहा, तेरी ऐसी की तैसी पन्नू, लाइनों पे जुड़, तू चाइना का एजेंट है, तू पाकिस्तान का एजेंट है, तू हमारे प्रधानमंत्री को शहीद करने के लिए डॉलर देता है, एक दिन कानूनी तरीके से चैलेंज करता हूं। ये कोई बोलने वाला नहीं, किसी में दम नहीं है बोलने में, हिंदुस्तान में मेरे में दम है, मेरी मां ने मेरी भारत मां ने दम दिया है, तुम्हें एक दिन कानूनी तौर पे हिंदुस्तान में लेके आएंगे। सिर्फ मुझे जो मेरा एक अनुभव है, हम उन अनुभव की बात करके बात करें, बात कट गई 26/11 और ये बोर्ड पकड़ा जाना और आज डीजीपी का बदल जाना, और मैं कभी आपको मैडम त्यागी जी बता दूं, मैं कभी भी जब भी कोई बात करता हूं मैं सबूतों के आधार पे करता हूं, मैं पेपर कुछ भिजवाऊंगा आपको, मेरी एक आदत है, मेरे पास जो डॉक्यूमेंट है, मेरे पास जो लेटर है आज 25 साल के, मेरी मां ने मुझे एक बात कही थी, पुत्र मुठियां बंद रखना, तो मैं अपनी मुठियों को हमेशा बंद रखा है, और जिस दिन मुझे किसी ने जरूरत से ज्यादा इनमें से छेड़ दिया, याद रखना ये हिंदुस्तान में क्या बाहर में शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेगा, जब ये प्लेन में चढ़ेंगे ना तो लोग इनको कहेंगे जो देश के गदार है, मेरे पास वो सबूत है, मोरे लगी हुई गवर्नमेंट की, क्या क्या मैंने जुल्म सहे इस पॉलिटिकल टेररिज्म और सुरक्षा व्यवस्था को लेके, आपको पता है 14 बार हमले के बाद ये कांग्रेस पार्टी के लीडर, ये चिदंबरम जैसे लीडर मुझे टेररिस्टों के आगे फेंकते रहे, और मैंने इनको नहीं कहा मेरी सुरक्षा को ठीक करो, एक बात कही सोनिया गांधी जी को, आज कह रहा हूं कभी कहा नहीं, हे सोनिया जी मुझे इच्छा मृत्यु दे दो, मैं चलता फिरता बम हूं, मेरा शरीर टूटा हुआ है, मेरे जख्मी शरीर को, मेरे अंगों को, मेरे लीवर, मेरी किडनी, मेरी आंखें, मेरे जख्मी फौजियों को दे दो या किसी गरीब को दे दो, मैं शोर नहीं मचाऊंगा, प्लीज मुझे इच्छा मृत्यु दे दो, मैं मरूंगा
तो मेरे साथ 70 लोग शहीद हो चुके, पता नहीं कितने दुनिया से और चले जाएंगे। सोनिया जी, मैं सीक्रेट चिट्ठी लिख रहा हूं, मैंने कभी नहीं बोला, आज बोल रहा हूं। प्रियंका गांधी को अभी कुछ समय पहले लिखा, जब मेरे ऊपर आतंकवादी जिसने दिल्ली के अंदर हमला किया, 38 लोग शहीद हुए, उसको पंजाब गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया सेंट्रल गवर्नमेंट को इसको छोड़ दो। पंजाब गवर्नमेंट लिख रही है, केजरीवाल लिख रहा है दिल्ली से इसको छोड़ दो, क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट हुआ था। मैं फिर प्रियंका जी सोनिया जी को, मैं छोड़ो, अपने पब्लिसिटी भूखे नहीं है, हमें इच्छा मृत्यु दे दो। ये आतंकवादी बाहर आ चुका है, ये बम लगाएगा, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस किया हुआ है, तो मेरे कौन सी सुरक्षा की बात करते। मैं गवाह हूं, मैं आपसे झूठ नहीं बोल, मैं डॉक्यूमेंट लाता हूं।